क्या होता है नो फ्लाई जोन जिसकी यूक्रेन मांग कर रहा है? नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित क्यों नहीं करना चाहता? नो फ्लाई जोन से क्या फायदे और क्या नुकसान है? भारत में नो फ्लाई जोन कहां कहां लगा है? आज की वीडियो में इन सभी के बारे में जानेंगे, वो भी सबसे आसान शब्दों में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस युद्ध में कमजोर साबित हो रहे हैं, इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि उनका देश सुरक्षित हो, इसलिए वे नाटो से यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लगवाना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि नो फ्लाई जोन आखिर होता क्या है। नो फ्लाई जोन का मतलब वह क्षेत्र जिसके ऊपर कोई भी हवाई जहाज, लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके। कई बार सुरक्षा को ध्यान में रखकर संवेदनशील इलाकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका ऐलान किया जाता है। संवेदनशील इलाका कहने का मतलब है जैसे कि देश का ऐतिहासिक स्थान, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, और भी इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बताते हैं नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित क्यों नहीं करना चाहता। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यदि नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर देता है तो यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मा नाटो की होगी। इस स्थिति में रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो फिर यूक्रेन के सेना से पहले नाटो के सेना से युद्ध करना होगा। इसलिए नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करना चाहता, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई भी तीसरा देश इस संघर्ष में कूदा तो वो अपने इतिहास का सबसे बुरा दौर देखेगा। इसलिए नाटो रूस से युद्ध नहीं करना चाहता। आपको बता दें कि नाटो के अंदर 30 देश शामिल होते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत में किन किन जगहों पर नो फ्लाई जोन लगा हुआ है। पहला राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में है, दूसरा संसद भवन, तीसरा प्रधानमंत्री आवास, चौथा भारतीय वायुसेना के ठिकानों के आसपास नो फ्लाई जोन लगा हुआ है, पांचवा वेंकटेश्वर मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है, छठा ताजमहल, सातवां द टावर ऑफ लाइसेंस, आठवां मथुरा रिफाइनरी जो कि यूपी में है, नौवां भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है, दसवां श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है, ग्यारहवां स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।